अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Here I'm Tesh to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत अब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ काइनेमैटिक्स एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.1। A train moves with a uniform velocity 36 km per घंटा for 10 seconds. Find the distance travelled by it. एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर फी आर की वेलोसिटी से मूव कर रही है 10 सेकेंड में। हमने उसका डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्टली हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किलो मीटर फी आर्स में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है एक घंटे में मतलब कि 36 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ डिवाइडेड बाय 3600, ओके, और देन फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 10, ओके। इस तरह से हम लोग अपनी वेलोसिटी को कैलकुलेट फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम हमारे पास गिवन है 10 सेकेंड। हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, हम लोगों ने यहाँ पे एस को फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, एस इज इक्वल टू वी टी के। एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी हमारे पास वेलोसिटी है और टी हमारे पास टाइम है। वेलोसिटी हमारे पास 10 है और टाइम भी हमारे पास 10 सेकेंड है, तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100 मीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 100 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2.2। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। उस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलो में हमारे पास होता है 1000, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 विच इज 1000 मीटर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 100 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड। हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at2। हम अपनी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट आउट करेंगे और देन हम लोग रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। टाइम हमारे पास 100 सेकेंड है, 1/2 एज इट रहा। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और टाइम हमारे पास 100 है। हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, एक्सेलरेशन हमारे पास इज इक्वल टू आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास 0 थी और एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास आई 0.2 और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है, तो फाइनल हमारे पास वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 2.3। A car has velocity 10 meter per second. Its acceleration at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this and find the velocity of the car.
वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कार की है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्केयर। टाइम टेकन बाय द कार इज इक्वल टू 0.5 मिनट, मतलब हम लोग मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 0.5 को जब हम लोग 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी द 30 सेकंड। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एज वी नो डैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/280 स्क्वायर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज को पुट आउट करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार को फाइंड आउट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास 30 सेकंड है, 1/2 एज इट रहा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम हमारे पास 30 सेकंड है। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आंसर वुड बी द 390 मीटर। ओके, सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एस इज इक्वल टू 390 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज न्यूमेरिकल नंबर 2.4। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इट्स टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू टर्न टू द ग्राउंड। उस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है और उसको जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगा वो 3 सेकंड्स है। ठीक है, हम लोगों ने उसकी हाईएस्ट मतलब ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, मतलब कि वो नीचे से हम लोगों ने ऊपर की जानिब थ्रो किया है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? और इसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी वो 30 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल उसको फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने हाइट को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन में हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है, ठीक है, टाइम हमारे पास 3 सेकंड्स है, 1/2 एज इट रहा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है और टी हमारे पास 3 है। जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल हाइट आ जाएगी वो हमारे पास आ गई 45 मीटर। एट द बॉल मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वर्टिकल मोशन, सो द टाइम टेकन बाय द बॉल इज इन बॉल डायरेक्शन विल बी द सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? Now the total time to the returns ground is equal to time taken upward, वो time जो उसको upward जाने में लगा और वो time जो उसको downward जाने में लगा। So उसको upward जाने में हमारे पास 3 सेकंड लगे और उसको downward आने में भी 3 सेकंड लगे, तो हमारे पास जो total time है वो हमारे पास आ गया 6 सेकंड। क्लियर? So हम results में लिखेंगे कि the maximum height reached by the ball is equal to 45 meter and the total time taken to return the ground is equal to 6 seconds. Clear students? Now move to the next question which is numerical number 2.5. A car moves with uniform velocity 40 meter per second, theek hai, for 5 seconds. It comes rest in the next 10 seconds with a uniform acceleration. Find the deceleration. हम लोगों ने negative acceleration को find out करना है, ठीक है? और हम लोगों ने find out करना है total distance travelled by the car, ठीक है? अगर हम लोग देखें slope, हम लोग find out करते हैं y divided by x, मतलब vertical component divided by horizontal component, ठीक है? वर्टिकल कंपोनेंट का हम लोग एवरेज ले लेते हैं y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो मतलब के y2 हमारे पास है 0 - 14 और x2 हमारे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे x2 - x1 और y2 - y1, ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास एक्सेलेरेशन का फाइनली आंसर आएगा वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द ट्रापीजियम OABC। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने डी एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट किया है, तो डी एक्सेलेरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलेरेशन।
तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्सेलेशन की वैल्यू भी नेगेटिव आई है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सो फर्स्टली हम लोग एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ओ ए बी सी एक रेक्टेंगुलर बना लेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो होंगी 15 + 5 उनको हम लोग ऐड कर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर साइड से, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली डिस्टेंस का आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है। अ ट्रेन फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलेरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर फी आवर्स व्हेन हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। एक्सेलेरेशन कार का है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूव्ड बाय द ट्रेन हमारे पास है 100 मीटर। हम लोगों ने इसकी फाइनल स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इस इक्वेशन में हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट आउट करेंगे, देन हमारे पास वी एफ स्केयर इज इक्वल टू आ गया 100। स्केयर खत्म करने के लिए हम लोग दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने अगर फाइनल वेलोसिटी को किलोमीटर मीटर पर सेकेंड को अगर हम लोगों ने किलोमीटर फी घंटा में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 के साथ डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलेरेट यूनिफॉर्म एंड अटेन अ वेलोसिटी 48 मीटर फी आवर्स इन 2 मिनट्स। इट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 5 मिनट फाइनली इट मूव्स इन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा करनी है। फर्स्टली हम लोगों ने ये बताना है कि एक ट्रेन स्टार्ट हुई है रेस्ट पोजीशन से, देन उसने उसकी जो वेलोसिटी है 48 किलोमीटर फी आवर्स है इन फर्स्ट टू मिनट्स में उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर फी आवर्स है, ठीक है। और हम लोगों ने देखना है कि फाइनली जो उसकी स्पीड है वो 5 मिनट पहुंच जाती है। इट मूव्स टू द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स के बाद वो स्टॉप हो जाती है। हम लोगों ने उसका टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एरिया अंडर द कर्व ट्रापेजियम ओ ए बी सी। क्लियर। अब हम लोग एरिया ऑफ द ट्रापेजियम में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर साइड से, मतलब हाइट के साथ। सम ऑफ द पैरेलल साइड इसमें कौन सी है, मतलब 600 + 300, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 600 और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 300, क्लियर। सम ऑफ द पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग हाइट के साथ, मतलब 13.33 मीटर इसकी जो हाइट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 599 मीटर, मतलब 6000 हमारे पास मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज न्यूमेरिकल नंबर 2.8। अ क्रिकेट बॉल इन हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड इन 6 मैक्सिमम हाइट रीच एट द बॉल बाय द बॉल एंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी बाय द बॉल। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने देखा बॉल की 0 है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वजह से हम लोग नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर। टाइम इन विच द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड विच इज 6 सेकेंड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल एंड फाइनल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। क्लियर स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हम अपनी बॉल को नीचे से ऊपर की जानिब थ्रो कर रहे हैं और टाइम हमारे पास 3 सेकेंड्स है। क्लियर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं डिस्टेंस को. तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाय टू जी टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 3 सेकेंड्स है, 1/2 एज इट रहा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है. क्लियर. हम इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे और फाइनल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर. द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू 45 मीटर एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर स्टूडेंट्स. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हेन ब्रेकर्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर फी घंटा टू 48 किलोमीटर फी घंटा इन 800 मीटर. हाउ मच फर्थर विल बी द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू दैट टू बी कॉन्स्टेंट. इसकी इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर फी घंटा है. 96 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ डिवाइडेड बाय 3600 तो द आंसर वुड बी द जो हमारे पास आ जाएगा. एंड सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 48 किलोमीटर फी घंटा. हम किलोमीटर फी घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 तो आंसर वुड बी द 40 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड. हम लोगों ने रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन एक्सेलरेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. एज वी नो दैट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास 2 एज इट रहा. एक्सेलरेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 800. फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 3 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 80 डिवाइडेड बाय 3. तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारी हमारा गिवन हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है. इन अबाउट प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेकर्स. हम लोगों ने जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल था 2.9 था उसमें इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर फी घंटा थी और फाइनल वेलोसिटी का हम कह रहे हैं ये जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के बाद इन जब उसने ब्रेक सप्लाई की आफ्टर स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास आई थी -0.33 मीटर पर सेकेंड के. हम लोगों ने अब टाइम को फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो टाइम हमारे पास एज वी नो डैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. इसमें हम लोग फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है. इनिशियल वेलोसिटी 26.67 मीटर पर सेकंड है. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास -0.33 है और टाइम हमारे पास जो कि हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा टाइम टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 80 सेकेंड्स. क्लियर स्टूडेंट्स. इस तरह से हमारे पास जो अबव न्यूमेरिकल था उसमें हमें डाटा गिवन था उस डाटा को ही लेके हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 2.10 को सॉल्व किया और जिसमें हमारे पास टाइम टेकन बाय द ट्रेन की वैल्यू आ गई 80 सेकेंड्स. आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ओके.